नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में फ्रेंडशिप क्लब की आड़ में अवैध कॉल सेंटर चल रहा था। सादे लिबास में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने प्रधाननगर थाने की पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। 8 महिलाएं गिरफ्तार की हैं। मोबाइल के सिम कार्ड सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे। पुलिस ने 3 मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी है। मालूम हो कि सिलीगुड़ी के बीचों बीच फ्रेंडशिप क्लब चल रहा था, उसकी आड़ में अवैध रूप से कॉल सेंटर का कारोबार चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से फ्रेंडशिप क्लब के खिलाफ प्रधान नगर थाने में शिकायतें आ रही थी। कल भी यही शिकायत आई थी, जिस पर फिर पुलिस ने कार्रवाई की। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर तुरंत छापेमारी की गई और कारोबारियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना में कई सिम कार्ड उन खातों की प्रतियों के साथ जहां धोखाधड़ी के जाल में फंसे लोगों से पैसे लिए गए थे बरामद किए गए और अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। 8 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम नेहा कुमारी, फातिमा खातून, गायत्री छेत्री, फूलन सिंह, नम्रता गोलो, सुजाता सिंह, अनीशा घोष, राखी साहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना में 8 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसके पीछे एक और गिरोह काम कर रहा है। सिलीगुड़ी शहर के अधिकांश इलाकों में किराए पर मकान लेकर अवैध कॉल सेंटर और फ्रेंडशिप क्लब की आड़ में काला कारोबार चल रहा है। इस काले कारोबार के तहत शहर की कई लड़कियां राज्य के बाहर के लोगों को विभिन्न तरीकों से फंसाकर लाखों रुपए कमा रही हैं। प्रधाननगर थाना क्षेत्र के मिलन मोड़ स्थित एक मकान में भी इस तरह का कारोबार चल रहा था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में लगातार पुलिस छापेमारी के कारण शहर में इन फ्रेंडशिप क्लबों की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप क्लब फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज गिरफ्तार लोगों को सिलीगुड़ी कोर्ट ले जाया गया। पुलिस ने कोर्ट से गिरफ्तार 8 महिलाओं को रिमांड पर लेने की मांग की। इसके अलावा जांच में 3 और मास्टरमाइंड का नाम सामने आया। पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू कर दी है।